पूरा दिन चला गया है। मैंने सुबह में बोला था कि 4K में। वेट वेट जस्ट अ सेकेंड, लेट मी शो यू गाइस, लेट मी शो यू वन थिंग। दिस निशांत 09 से वन कमेंट कैन चेंज योर होल लाइफ। दिस कमेंट्स मेक्स अस टू स्ट्रॉन्ग। और उस बंदे से अपना कंपैरिजन होता है तब। रात के गई 12 बज रहे हो और मेरी वीडियो अभी जस्ट एडिट करके हो गई है। 6 घंटे बाकी है इसके, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसका अलार्म लगा दूँ ताकि मैं इसको टाइमिंग पर सेव कर सकूँ। ओके डन। जैसे ये ब्लॉग हो जाएगा तो नेक्स्ट ब्लॉग क्या बनाना है, कंटेंट कहाँ से लेना है, क्या करना है, कैसे बनाना है, क्या स्क्रिप्ट होनी चाहिए, कैसे लोकेशंस होने चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में मेरा दिमाग सोचते रहता है। जैसे ही थिंकिंग प्रोसेस चालू होता है तो हम लोग काम पर लग जाते हैं। काफ़ी टाइम के बाद में हम लोगों का नेक्स्ट व्लॉग प्रिपेयर्ड है। वैसे अभी 5 बजे भी जल्दी उठना है तो मॉर्निंग में मैं आपको मिलता हूँ। अभी हम लोग सो जाते हैं। प्रातःकाल सुबह 8 बजे। रात से मैं 2 बार उठा हूँ, 2 बार मैंने इसको चेक किया है कि इसका टाइम कोड का कहाँ तक है। पहली बार दिखा रहा था सिर्फ एक घंटे का डिले था, उसके बाद में आधे घंटे का डिले था। सबसे मेन बात ये है, तो वो मेरा टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, ये वो सब लिखना है। उससे मेन चीज़ जो है तो वो रेंडर होना बाकी है। पता नहीं 4K में कब तक रेंडर हो गए। उठने के बाद मैं ऐसे बॉलीवुड के बहुत काफ़ी मेरे जितने भी फेवरेट हैं तो उतने सारे सारे सॉन्ग्स लगाता हूँ। मतलब एनर्जी लेवल बहुत अच्छी बढ़ जाती है। और अगर दानिश का व्लॉग देखो, गोकू लेवल, मतलब इंसेन गॉड लेवल ब्रो। जो टेंशन सबसे हाई पीक पर होती है ना, वो है चेक्स। अभी तो वैसे जो चेक हो रहा है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है या नहीं, अब तब तक वेट करूं। क्या करे भगवान। चेक सर, ओके जाते हैं। अभी कुछ खाते नहाते, देखो ये बाल बाल सब कैसे हो गए। मैं अभी जस्ट रेडी होके आया हूँ, मतलब थोड़ा बहुत करेंगे कि इसको बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनाने का, और फिर इसको अपलोड करेंगे। तो हम लोग अभी इसका टाइटल डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे, इसका SEO को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। जो जो है तो वो बहुत मैटर करती है और इसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें, इसके चक्कर में ना उठते ना ब्रेकफास्ट करते ना रेडी होते। कितने बजे अपलोड करना था? 9:30 बजे, और अभी बज रहे हैं पूरा 1 बजता है। इंस्टाग्राम के लिए थंबनेल बनाया हूँ और एक बनाया है तो वो है अपना थंबनेल। तो इसके ऊपर मैंने क्या क्या किया है मैं आपको एक वर्क दिखा देता हूँ। पहले रॉ इमेज है, फिर इसके बाद में मैंने इसका बैकग्राउंड कटआउट कर लिया। मैंने ये एक स्काई की PNG ले ली है, फिर उसके कलर्स मैच नहीं कर रहे थे तो सो आई थॉट कि उसको बैकग्राउंड से कलर मैच करवाना था। DJI का लोगो, ये मेन पर्पज है हम लोगों का। फिर इस बैकग्राउंड को हम लोगों ने पीछे शिफ्ट किया है, थोड़ा कलर ग्रेडिंग थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब कमर्शियल लुक देता है। बारिश को थोड़ा सा ऐड किया है, और रिव्यू जो हम लोगों ने दिया है वो हार्श टेस्ट। फिर ड्रोन वर्सेस रेन, ये हमारा टाइटल है। मैविक एयर हमारा ये प्रोडक्ट है। फाइनली वी मेड दिस, ये वाला बैकग्राउंड सही में से अच्छा लगता है। फिलहाल तो जो होगा वो देखा जाएगा। अभी मैंने वीडियो को अपलोड कर दिया हूँ बिकॉज ये 4K में अभी तक रेंडर नहीं हुआ है। बिकॉज अभी अगर 4K में रेंडर नहीं हुआ तो कैसे होगा कि जो भी लोग दिखने वाले हैं तो उनको वो बहुत ही ऐसी पैची वीडियो, ऐसी गंदी क्वालिटी में दिखेगी। शाम 4 बजे का मैंने इसको अपलोड किया है, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हो। आई बटन के ऊपर मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, तो इस ड्रोन को मैंने बहुत रफ यूज़ किया है। काफ़ी रेनी एटमॉस्फेयर था, उसके अंदर मैंने चैलेंजेस लिए थे, हाइट टेस्ट बादलों के ऊपर से, और सेकंड चीज़ था रेंज टेस्ट। फिलहाल तो मेरा प्लानिंग ये है कि मुझे सूट भी लेना था राइडिंग का,
वैसे एक मेरे एक दिमाग में एक प्लानिंग चल रहा था कि मैं एक रोड ट्रिप पर जाऊं जो कि लद्दाख का सो काफ़ी बड़ा डिसीजन है, लेकिन ऐसा है कि जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं। ना हो सके उतना कमेंट करो, लद्दाख की ट्रिप करूं या ना करूं, करूं तो कैसी करूं, ऑन बाइक जाऊं या फिर एक बजट लेकर चलूँ कि इतने बजट के अंदर मुझे वहाँ तक पहुँचना ही है। ऐसे कुछ चैलेंजेस होंगे समथिंग लाइक दैट, तो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हो। जो भी इस कमेंट बॉक्स के अंदर बहुत ही बेस्ट तरीके से उसको एक्सप्लेन करेगा, उसको हम लोग एक ऑनलाइन गिफ्ट देंगे। काफ़ी टाइम के वेट करने के बाद भी मैंने सोचा था कि ये 5-4 घंटे में तो हो जाएगा, 100 Mbps का वाईफाई है, फिर भी ये वीडियो अपलोड नहीं हुई है। काफ़ी प्रोसेस, लंबे प्रोसेसिंग के बाद में, पूरे दिन के बाद में वीडियो रेंडर होती है और वो वीडियो अपलोडिंग को ले लगाते हैं। और ये यूट्यूब वाले यार, यूट्यूब का जो सिस्टम है तो वो 4K रेंडर करने के लिए इतना ज़्यादा टाइम लेता है, मतलब पूरा दिन चला गया है। मैंने सुबह में बोला था कि 4K में जस्ट सीन। लेट मी शो यू गाइस, लेट मी शो यू वन थिंग। दिस कमेंट्स मेक्स अस टू स्ट्रॉन्ग एंड आई एम फीलिंग काइंड ऑफ इमोशनल बिकॉज इस लेवल पर कंपेरिजन हद है। थैंक यू, या थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। कितना थैंक यू बोलूँ, क्या कुछ समझ में नहीं आता। एग्जिस्टिंग टाइम के अंदर अगर दानिश जिंदा होता तो बस आतंक मचा देता। सब लोग आजकल ग्रुप में आ रहे हैं, कोलेब्रेशन में आ रहे हैं, बहुत कुछ है। वो बंदा अकेला आया था। व्हेन द एक्सीडेंट वाज हैपन, जब मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, लिटरली इंस्टाग्राम वाज क्रैश्ड लिटरली। और उस बंदे से अपना कंपैरिजन होता है तब लेजेंड है ब्रो, हैट्स ऑफ टू हिम। दिस कमेंट मेड माई मूड रियली ग्रेट। कभी कभार आपके काम को लोग अप्रिशिएट, मतलब इतना ज़्यादा अप्रिशिएशन नहीं मिलता जितना कि आप लोगों ने सोचा हुआ रहता है। सच काइंड ऑफ ए थिंग, सच काइंड ऑफ ए सपोर्ट, सच काइंड ऑफ ए कमेंट्स मेड एनी यूट्यूबर्स रियली स्ट्रॉन्ग। आपकी एक कमेंट भी बहुत असर करती है, जैसे कि ये कमेंट ने मेरा पूरा मूड बदल दिया। इस बंदे ने तो यार मूड बना दिया। इस बंदे के लिए हम लोग एक सरप्राइज भेजेंगे ज़रूर, स्पेशली ऑन हिज एड्रेस, और वो भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। इसके कमेंट्स ने और इसके दिल से प्यार ने मेरे को मतलब बहुत अलग लेवल का फील करवाया है। सो अब वीडियो को रेंडर होने तो कोई बात नहीं, अगर हम लोग अच्छे से फीलिंग के साथ में एक मस्त चाय और मस्त सा पालीगढ़ का केक खाते हैं। ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहना यूट्यूबर की जिंदगी के अंदर। कमेंट्स लाइक्स बहुत मैटर करते हैं। निशांत, लव यू मेरे भाई। मोस्ट रेमेडियस थिंग ऑन प्लैनेट अर्थ इज बारिश के मौसम में चाय का सुकून, हद से ज़्यादा होता है। बारिश के मौसम में चाय पीने का मज़ा अलग ही होता है। कभी भी लद्दाख जा सकते हैं, बट डेफिनेटली जाएंगे। छोटे से डेली व्लॉग्स में ट्राई कर रहा हूँ, अगर आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे हाँ ज़रूर बता देना। यहाँ से आप लोग बहुत दूर दूर की चीज़ें देख सकते हो। चलो, बारिश ज़्यादा हो रही है और मुझे उस कमेंट के साथ साथ मेरे इस चाय को भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करना है। तो आई होप कि इस डेली व्लॉग को आप लोगों ने ज़्यादा एंजॉय किया होगा। अगर किया होगा तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब टू अवर चैनल, रिंग द बेल आइकॉन और सपोर्ट के लिए शेयर जरूर करना। विद दैट सेट, मिलते गाइस ऐसे एक दासू व्लॉग के साथ में, विच शेयर कैन सो सून। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड डूड, बाय। वैसे याद आया, अम्मा के पास जाना रे, मैं भूल गया।